55 दिनों में 300 मिलियन व्यूज एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इसमें मैंने बोला तो मैंने बिक्की भाई धन्यवाद किस तरह से अपने मुझे मुझे एक डायलॉग याद आ रहा 56 दिनों का वाला 56 दिन 56 इंच का सीना 56 दिन में 56 इंच का सीना हो गया। और क्या कह सकते हैं सर, मात्र 56 दिनों में बॉलीवुड के बड़े बड़े गाने नहीं होते हैं और जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर की रैंकिंग में ये दो हफ्ते तक गाना रहा। मैं ये आपको बता दूं कि उसमें एक भी बॉलीवुड का भी सॉन्ग नहीं था, सारे इंग्लिश सॉन्ग थे और सेकंड नंबर पे हम लोग का हेलो कौन था। तो ये बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है हमारे भोजपुरी के लिए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे श्रोताओं का है, हमारे दर्शकों का है, जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया और ऐसा प्यार दिया कि इसको वर्ल्ड वाइड बनाया। मतलब सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी गाना ये यूपी बिहार और झारखंड और पूर्वांचल में ही सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश में सुना गया, तभी तो 56 दिनों में 300 मिलियन व्यूज क्रॉस किया। हाँ, शिल्पा शेट्टी जी ने, हनी सिंह जी ने, और बॉलीवुड की बात तो मान लीजिए बॉलीवुड के लोग हमारी हिंदी को समझते हैं, बट हमने देखा फॉरेनर्स भी साउथ अफ्रीका से, यूक्रेन से लोगों ने इस पर बनाया है, बहुत सारी लड़कियां, रशिया की लड़कियां बनाई हैं इस पर टिकटॉक, जो हिंदी को समझ भी नहीं पाती हैं कि हेलो कौन होता क्या, हेलो समझती होंगी वो, कौन नहीं समझती होंगी, फिर भी उन लोग को इतना अच्छा लगा। इसमें मैं अपने बड़े भाई आशीष वर्मा जी का भी बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा बनाया इस गाने को। और मैं पूरी टीम के साथ, जिन्होंने ये मार्स मीडिया ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस गाने को इतने अच्छे से प्रमोट किया और एक इतना अच्छा लेवल दिलाया। हम अपने सारे टीम को जिन्होंने वीडियो किया और जिन्होंने मेरा प्रोडक्शन देखा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, स्नेह उपाध्याय जी, आपने तो सर दुखती रख पे हाथ रख दिया बहुत ही क्यूट हैं और आपको भी पता चल गया कि वो क्यूट हैं। आपको किसने बताया कि वो क्यूट हैं? हाँ, ये तो है, बहुत ही क्यूट हैं सच में वो, और बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने और उनके एक्सप्रेशंस कमाल के हैं। और उनको, अच्छा आपको ये बात अभी बता दूं अपने दर्शकों को यहाँ के माध्यम से, कि जो मम्मी का रोल उन्होंने जिन्होंने किया है वो स्नेह उपाध्याय जी की रियल मम्मी है। और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, और रियलिटी हम लोगों ने शूट किया जो होता है घर में, और बहुत साधारण तरीके से शूट किया है। और इससे ये साबित होता है कि अगर सच्चाई से, दिल की सच्चाई से अगर आप साधारण से साधारण भी काम करते हैं, उसको भी पब्लिक पसंद करती है। 100 मिलियन पूरा हुआ, 125 मिलियन का बनारस में सेलिब्रेशन किया गया, 200 मिलियन हुआ सेलिब्रेशन किया, अब 300 मिलियन में किस तरह सेलिब्रेशन करेंगे? 300 मिलियन हम लोग बॉम्बे में करेंगे, मुंबई में करेंगे हम लोग कुछ दिनों के बाद, 10 या 12 दिनों के बाद, जब ये गाना भोजपुरी का सबसे बड़ा गाना होगा, और उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद हम लोग एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे मुंबई में। असल में मतलब मैं जा रहा हूँ अभी शूट पे, वर्धमान यहाँ से निकलूँगा कलकत्ता, तो वहाँ से रिटर्न होते ही बॉम्बे में हम लोग पार्टी रखेंगे। और हमारा पार्टी एक उधार है विक्की भाई पे, विक्की भाई को पार्टी देना है मुंबई में, और आप सभी को आना है, सभी को आना है जो हम लोग पार्टी रखेंगे। और एक और बात, होली मिलन समारोह जो हम लोग रखते हैं वो भी बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए भी राम जी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो फिल्म है एक रियल स्टोरी, जो एक लड़का है कलकत्ता जाता है, और कलकत्ता में ही हम लोग शूट कर रहे हैं, तो उसका नाम है यूपी टू पंजाब, यूपी टू कलकत्ता, अभी ऐसे ही नाम प्रोडक्शन नंबर 1 करके था, तो उसका यूपी टू कलकत्ता नाम रखा गया है। अभी देखते हैं स्टोरी के हिसाब से जो नाम समझ में आएगा फिर उसके बाद में चेंज हो सकता है। और बाकी कौन-कौन फिल्में आपके आने वाली हैं? अभी नेक्स्ट हमारी राजा राजकुमार रिलीज है 28 फरवरी को, उसके बाद हमारी डोली है, मजनुआ है, सैया थानेदार है, और सरफरोश है, बहुत सारी फिल्में लाइन से। राजा राजकुमार की बात करें, 28 फरवरी को आ रही है, तो आप और अक्षरा जी पहली बार
दर्शकों के बीच में स्क्रीन पे आएंगे, क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म को लेकर? बहुत अच्छी फिल्म है सर, बहुत अच्छी फिल्म है। एक एक्शन, रोमांस, लव और कहानी में बहुत अच्छे अच्छे ट्विस्ट हैं। हमारी पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये विश्वास है। 28 फरवरी को लागत है फिल्म, अपना अपना नज़दीकी सिनेमा घर में जाएं सबे और भाई के प्यार दुलार आशीर्वाद दें सब। डायरेक्टर हमारे HS पवन जी हैं, बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं। प्रोड्यूसर हमारे सुभाष यादव जी हैं, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अक्षरा जी के साथ काम करके मतलब बहुत अच्छा लगा, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो जितनी बड़ी स्टार हैं उस हिसाब से उनका बिहेव नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ है, तो इसलिए उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। भैया होली आ रहा है, होली समारोह की तैयारी चल रहा है, दर्शक लोग के लिए कौन कौन होली गाना आएगा और दुल्हन कौन अपना गाना? गाना आएगा कि मेरे मलिया के गलिया पर रंग साला कौन लगाया, सुनो जानू तेरे जालिम है यार, बन गए हैं होली में हथियार, अरे भाभी भाभी कह के है फायदा उठाया, तो मेरे मलिया के गलिया पर रंग साला कौन लगाया। यही है नहीं अभी नहीं, क्योंकि सर मैं क्या बताऊं, मेरा एक काम करने का एक उसूल होता है, कभी कभी तो मैं डायरेक्टर से पूछता ही नहीं हूं कि मेरे अलावा कौन काम कर रहा है, क्योंकि मुझे मेरे काम से मतलब होता है सर। और मेरे मन में यही रहता है कि मैं कभी भी डायरेक्टर को प्रेशराइज ना करूं कि इनको कास्ट करो, उनको कास्ट करो, उनको कास्ट करो। तो अभी जो फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि उसके ज़्यादातर कास्ट के बारे में मुझे पता नहीं है। और कुछ दिनों बाद आप लोगों को खुद मैं कलकत्ता बुला लूँगा, आप लोग शूट कर लीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। हमारे विक्की भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई।